क्रिकेट से जुड़ी अमेजिंग खबरें मिलती हैं आपको इस चैनल पर। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो पहले टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने शानदार जीत हासिल की है। टेस्ट मैच में बल्लेबाजों के अलावा गेंदबाजों ने भी अच्छा खासा प्रदर्शन किया और ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज को बांध कर रखा। विराट कोहली की कप्तानी में 86 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त हो गया, यानी कि टूट गया। भारतीय टीम जब भी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर आई तो कभी भी सीरीज का पहला मैच नहीं जीत पाई। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पहला टेस्ट मैच 1932 में खेला गया था। इसके बाद से ही ये सिलसिला जारी है। भारत ने 2003 से 2004 की टेस्ट सीरीज 1-1 की बराबरी पर ड्रॉ कराई थी और उसी सीरीज में भारत ने एडिलेड टेस्ट मैच में शानदार जीत दर्ज की थी। 15 साल पहले के टेस्ट मैच में सौरव गांगुली की टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से मात दी थी। इस मैच में भारतीय टीम की दीवार कहे जाने वाले राहुल द्रविड़ ने दोहरा शतक जड़ा और दूसरी इनिंग में भी नाबाद 72 रनों की पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई थी। गेंदबाजी में भी इस मैच में अजीत अगरकर ने 41 रन देकर के 6 विकेट हासिल किए थे, जो कि आज भी कोई भुला नहीं सकता। लेकिन आज कोहली की कप्तानी में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हरा करके ये बता दिया कि अब पुरानी भारतीय टीम नहीं रही है। भारतीय गेंदबाजों की बात करें तो उनका प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहा। रविचंद्रन अश्विन, मोहम्मद शमी, ईशांत और बुमराह सभी ने मिलकर के मेजबान टीम को दिखा दिया कि विदेशी सरजमी पर भी भारतीय गेंदबाज किसी से कम नहीं है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट अपडेट के लिए। धन्यवाद।